ये रहा और एक स्टॉक ये रहा। अगर इतना भी नहीं पता तो आपने अपनी लाइफ व्यस्त करी है, फजूल में टाइम ज़ाया मत करो इनका भी और अपना भी। कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम वूल ले रहे हैं, टेरी वूल ले रहे हैं, टेरिकॉट ले रहे हैं, कॉटरा ले रहे हैं, लिनन ले रहे हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है। बेसिकली मुझे क्या लाना है, मुझे कपड़े लाना है, कापुरस का क्लॉथ फैब्रिक लाना है। अब ये जो ये ब्लू है ये भी आप 4 मीटर कर दो। अब मैंने देखो हमने डिफरेंट कलर ले लिया, भाई फिर से कर रहे हैं काम, हमें 4 मीटर देंगे। वेलकम टू चैनल कश्मीर लस। आज आपको दूसरा एस्पेक्ट दिखाएंगे, आज बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और शेयर भी करें, बिकॉज आज मैं कहीं निकला हूँ, मुझे कुछ चीज़ें लानी है। एंड आई एम श्योर जो लोग डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी ये चीज़ें बहुत लानी पड़ती है, लेकिन मेरे लाने में और उनके लाने में बहुत डिफरेंस है। लेट्स गो अहेड। मैं हूं एक कश्मीरी एंड आई एम इन कुवैत। कुवैत में विंटर्स हो गए ख़त्म होने को, अभी एक महीने बाद गमासान वाली समर स्टार्ट हो जाएगी, मतलब गर्म ही। फिलहाल मैं यहीं पर हूं, मुझे जिस मार्केट में जाना है वहीं से उधर जाना पड़ेगा उस वाले एंड में, तो लेट्स गो। तो बेवशो क्या कह, मेरा प्लान था, काफ़ी दिनों से प्लान था यहाँ जाना है, यहाँ से कुछ लाना है, बट टाइम नहीं मिल रहा था। 1 मिनट में आज टाइम था, चलो पको। और ये आपके काम की चीज़ है, अगर आप कुवैत आते हो या यहाँ कोई रिलेटिव है आप यहाँ से ये चीज़ें मंगवा सकते हो। चलो भाई बस से तो उतर गए, सफ़र शुरू होता है। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला, बट आई एम श्योर यू गोना लव इट, सो होप जो हमारी ऑडियंस है दे विल ट्राई टू गो अहेड एंड शेयर इट। फिलहाल मैं इसी मार्केट में हूँ, आगे जाना है, आगे जाते हैं, फिर जिस मार्केट में मुझे जाना थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, टेक्निकली क्रॉस करते हैं। द बेस्ट पार्ट इस मार्केट में देखिए, ह्यूज पार्किंग लॉट है, पार्किंग एरिया इज़ टू गुड, दिस इज़ ये पूरा पार्किंग है, पार्किंग की पार्किंग है। यहाँ पर भी आप गाड़ी से उतर सकते हो, कैब से उतर सकते हो। यहाँ पर भी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, खाने पीने शॉपिंग का पूरा ही सेगमेंट इसी मार्केट में है। अलराय वाला मार्केट है ये, तो अलराय ये जगह है बेसिकली। यहाँ पर सबसे बड़ा लुलू जो है ना अलराय का, यही है लुलू हाइपर मार्केट है, ये पूरा एक हाइपर मार्केट है। इस मार्केट का सबसे बड़ा पंगा है कि आपको बेसिकली यहाँ पैदल ही चलना पड़ेगा, बिकॉज आगे जितना जितना रास्ता आगे जाता है सारा कवर होता है, टैक्सीज जो होती है पर्सनल या गाड़ियाँ जो होती है, पूरा मार्केट ये जो लेन है वो पूरी जम जाती है, मतलब फ्रीज हो जाती है। बेहतर है कि आप पैदल ही चलो। वेलकम टू चैनल कश्मीर लास्ट। मैं बिल्कुल इस मार्केट के अंदर ही हूँ अभी, और यहाँ पर मुझे एक सेगमेंट ढूंढना है जहाँ पर मुझे मेरी काम की चीज़ मिलेगी। सो जो मार्केट है इसको बेसिकली फ्राइडे मार्केट भी कहा जाता है, फ्राइडे और सैटरडे को खुला रहता है, बट यहाँ को यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है। बेसिकली मुझे क्या लाना है, मुझे कपड़े लाना है, कापुरस का क्लॉथ फैब्रिक लाना है, उससे कुछ सिलवाना है। अब वो बोलोगे क्या, वो है स्क्रब्स। हम इसी वाले फैब्रिक वाले मार्केट में गए, एंटायरली एक बड़ा सा स्क्रब वाला पूरा फैब्रिक, इंटरनेशनल नेशनल फैब्रिक जो यहाँ पर है इसी मार्केट में मिलेगा आपको। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फैब्रिक चाहिए, यू शुड नो दैट टाइप। तो आई थिंक एसेशन पाए सर्दी के लिए फैब्रिक अलग है, गर्मी के लिए फैब्रिक अलग है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से फैब्रिक यहाँ आता है एंड दे सेल इट। द फैक्ट इज मुझे स्क्रब्स लाने थे, तो स्क्रब्स ऑलवेज ऑनलाइन डिफरेंट होता है, पता नहीं चलता है फैब्रिक कैसा है, बट यहाँ पर जो फैब्रिक मार्केट है वहाँ पर मैंने कपड़ा खुद ही चूज़ किया, तो इनके पास जो रेट्स मिली आई लेट यू नो।
तो भाई पूछू तो ये जो पलो तो बना तो एक पन्ने सा पलो है, मीन्स दिस इज़ द फैब्रिक। एक तो मैंने ये वाला कलर चूज किया है, ठीक है, ये वाला आपके पास है, ये 1.5 गज का कपड़ा है और 4 मीटर है, दिस इज़ वन, एंड ये रहा दूसरा इशू देम। आप चाहे तो सूट सूट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है इनके पास, यू कैन कम हेयर, आप जब भी यहाँ आए तो इनसे ले सकते हैं। फिलहाल जो ये ब्लैक, ये देखिए ये प्रॉपर फिनिश्ड ब्लैक है और इसमें मैट ब्लैक भी है, थोड़ा हल्का पहना था सा इशू ब्लैक ब्लैक। अब ये जो ये ब्लू है ये भी आप 4 मीटर कर दो। अब मैंने देखो ये हमने डिफरेंट कलर ले लिया, भाई फिर से कर रहे हैं काम, हमें 4 मीटर देंगे। ये 1.5 गज वाला कपड़ा है, ये एंटायरली मार्केट, पूरा मार्केट उसी से भरा पड़ा है। Anyways guys, this is the way you purchase the fabric cloth. अगर आप कुवैत में हैं तो यहाँ पर है फ्राइडे मार्केट, आओ आप अपनी चीज़ें परचेज करो, ये सारा स्टॉक है, डिफरेंट डिफरेंट है, सारे सेम ही है, ऐसा नहीं है कि ये दिन पिछु हिसाब किताब, तो एक पारन मतलब यू कैन फील द फैब्रिक कैसा है, शाइन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एंड आप यहाँ पैक करवा सकते हैं। तो इनके पास ये कैटलॉग्स होते हैं, ये अच्छा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मतलब कोडिंग करके होती है, जैसे ये है कोई बेंटले का है तो दिस इज़ वन, देखिए अच्छा वन, देखिए कलर कोडिंग करके, तो आप देखिए अगर आपको लेना है आप कलर कोड के हिसाब से भी ले सकते हो। आप ये चूज़ करो ये वाला आपका कपड़ा निकाल देंगे, सो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे ये वाला है देखिए, फरन वरन आप बनाते हो, देखिए ये बहुत मोटा है, शुतो इतना का वो कैट दिस, या आपके पास ये वाला आ जाए तो दिस इज जो मोटे में है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पर है लाइक दिस वन, लेकिन फील द फैब्रिक आप देख सकते हो कितना मोटा है, या ये वाला ग्रे वाला जो फेरना ज़बरदस्त फेरना, हम कश्मीर में बनाते हैं नॉर्मली, ये अरबी लोग इसका ड्रेस भी बनाते हैं, शुभारिया मोट, या ये Look at this. बताऊंगा फिलहाल ये है सिना की ब्रांड जो यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, देखिए सिना प्रो स्क्रम्स, यहाँ पे सारा है फोटोज के हिसाब से आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ये देखिए आप स्क्रब इसको कहते हैं, ये जो है इसका प्राइस लगभग 10-12 केडी होगा, 15 केडी के भी स्क्रब्स है, 8-9 केडी के भी स्क्रब है, बट इसमें आपको ये कलर्स मिलेंगे, आप फैब्रिक कैसा मिलेगा, लिनन का मिलेगा, कॉटन का फैब्रिक है, ये देखिए लिखा होता है, बट यहाँ देखिए 15 केडी का लिखा है, यहाँ पर लिखा है 15 केडी, ठीक है। अब इतना भी कोई ब्रांड के पीछे पागल नहीं होना है, अपना भी सोचना होता है तरीके से, तो मेरे हिसाब से ओवर कॉस्टली था। अगर ये एक स्क्रब हम देखते हैं 15 केडी का, मुझे एक है 4000 रुपये का मुझे एक मिला, तो मैंने 4000 रुपये में 4.5 मीटर 1.5 गज का कपड़ा लाया वहां से 15 केडी में, आप समझ सकते हैं मतलब 15 केडी हो गए 4000 रुपये, तो ऑलमोस्ट मैंने 4 लाया, वो आपको पता ही है, मैंने 12.800, मैं आपको 12.800 दिखाता हूँ, मैंने लाया है 3454 रुपये, 3454 रुपये में मैंने लाया है टोटल 4 स्क्रब का कपड़ा, बनस्बत अगर मैं 15 केडी यहाँ पे करता मुझे 4000 रुपये में ये खाली एक मिलता, सो दिस इज द मेन रीजन। तो भाई ये सब हम नहीं ला रहे, हम अपने हिसाब से जुगाड़ कर रहे हैं। ये कलेक्शन है इनके पास, ये मोटे में है, तो सपोज दिस इज थिक शुभार या मोट फैब्रिक, इसका मोटा है, सर्दी में काम आएगा, बेसिकली मुझे ये लेना नहीं था, प्लस देखिए मोटे में बहुत अच्छी खासी वैरायटीज है, देखिए चेक में भी है इनके पास, चेक वाला ये कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है, सी दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी थिक, ये वाला है, ये मोटे में है जो वारिया मोट, फरन वरन आप बनाते हो, देखिए ये बहुत मोटा है, छुतो इतला का वो कह दिस, या आपके पास ये वाला आ जाए तो दिस इज जो मोटे में है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पर है लाइक दिस वन, लेकिन फील द फैब्रिक आप देख सकते हो कितना मोटा है, या ये वाला ग्रे वाला जो फेरना ज़बरदस्त फेरना, हम कश्मीर में बनाते हैं नॉर्मली, ये अरबी लोग इसका ड्रेस भी बनाते हैं, शुभारिया मोट, या ये लुक एट दिस। सो गाइस मिस्टर शुमान हमीद ये है वो भाई जिन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट हमें दिया है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हम पूरा हॉस्पिटल ही टूट पड़ेंगे यहाँ पर। जो भी स्टाफ है यहीं आएगा और जो भी ऑडियंस है वो यहीं आएगी, बिकॉज प्रोबेबली यहाँ पे सब फैब्रिक एक जैसा ही, बट इनके पास आपको अच्छी से डील्स मिली है, मुझे मिली है, आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी है, मिलेंगे ज़रूर। सॉरी, पूरी जो लेन ही है नीचे तक, ये जेंट्स का है, नीचे जाके लेडीज़ का मार्केट है, मतलब ये पूरी लेन जो है एंटायरली इट्स फुल ऑफ द क्लॉथ, कुछ ये पूरी लेन नीचे जाती है, पूरा का पूरा सेगमेंट ही नीचे जा रहा है यहाँ से एंटायरली, आपको जितना लेना है आप लो। और फिलहाल मैं रखता हूँ यहाँ पर, ये लेट्स कीप दिस हियर, हमको पहले भी बोला ये रहा एक स्टॉक, ये रहा और एक स्टॉक ये रहा। फिलहाल 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं। ये मार्केट जो, ये बहुत मैसिव मार्केट है, कालीन वाला मार्केट नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। जिनने हमारे फ्राइडे मार्केट के वीडियोस नहीं देखे वो ज़रूर देखें, समर्स में हमने अपलोड किए थे, फिलहाल विंटर्स ही हैं, बट ये इतना बड़ा मार्केट है, पूरा पूरा दिन भी लगे ना आप पूरे आइटम्स नहीं गिन पाओगे, और आपको डिटेल आपको इत्मीनान से इस मार्केट की सैर करनी पड़ेगी। एनीवेज मैंने जो अपना ये जो है फैब्रिक, मुझे बेसिकली डैड से कुछ आइडिया था कितना लाना है, गज़ डेढ़ गज़ और कौन सा कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि पता होता है ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन किसी टेलर वेलर से भी ले लो आप। एंड दिस इज इट, अगर उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया तो ज़रूर शेयर करो, नहीं तो इट्स ओके, हम नेक्स्ट वीडियो पे ताबड़तोड़ फिर कोशिश करेंगे।